हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आ गए हैं खेत की तरफ और देख सकते हैं ये धान है, धान का खेती। दोस्तों बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं और वहां का कुछ मूवमेंट देखेंगे। देख सकते हैं यहां का एरिया, शानदार लुक एरिया का। तो यह धान का खेती जो किया गया है, सुंदर मोमेंट है यहाँ का बॉर्डर का। यहाँ का लुक और धान अब 10 से 15 दिन में धान हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ का मोमेंट है। धान की खेती का और चलते हैं दोस्तों बॉर्डर पे, कुछ वहाँ का भी मोमेंट देखेंगे, लेटेस्ट मोमेंट कुछ दिखाएंगे बॉर्डर का कैसा है फिलहाल बॉर्डर का मोमेंट। वे है बॉर्डर के करीब है काफी, चलते हैं जस्ट बॉर्डर पे और देखते हैं वहाँ का कुछ मोमेंट। दोस्तों बॉर्डर आ गया है करीब और वहाँ का लुक देखेंगे कुछ, देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि बॉर्डर के काफ़ी करीब हैं और यह है एक छोटा सा झील है, झील है नदी की तरह नहीं है, एक छोटा सा नहर टाइप है, उसके बाद आगे नदी है बड़ी सी। तो यह है कुछ यहाँ का दोस्तों मोमेंट, देख सकते हैं नदी की उस पार का मूवमेंट, काफी शानदार मूवमेंट है। दोस्तों देख सकते हैं ये बॉर्डर का एरिया है जो यहाँ का लेटेस्ट मूवमेंट। देख सकते हैं यहाँ का लेटेस्ट मूवमेंट है बॉर्डर का और ये है कुछ यहाँ का जो झील है छोटा सा। चलिए चलते हैं बॉर्डर पे, अभी वहाँ का भी मोमेंट आपको दिखाएंगे कुछ। हम देख सकते हैं कट गया है नदी पे, क्योंकि यहाँ जो नमी है बहुत जल्दी सूखता है, यहाँ धान भी कट गया है दूर दूर तक का। चलिए चलते हैं नदी पे, वहाँ का भी मोमेंट देखेंगे। तो देख सकते हैं यह है शहदवन, यहाँ से लोग जाते आते रहते हैं, यहाँ काफ़ी छांव है और यहाँ एक ही बगीचा बचा है शहदवन का। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेपाल बॉर्डर, जो नेपाल बॉर्डर है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद एरिया जो है नेपाल का काफ़ी स्मूथ एरिया और नदी का वीडियो आपको ज़्यादा दिन हो गया देखने को। तो चलिए चलते हैं नदी पे डायरेक्ट, आज दिखाएंगे कैसा है वहाँ का मोमेंट, कैसा है लोकेशन। देख सकते हैं आगे नदी है जो बड़ी सी नदी, उसमें कितना पानी है, तो पूरा देखेंगे वीडियो में, बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नदी पे डायरेक्ट।